Guys, good morning everyone. Welcome to today's class. I hope all of you guys are doing very well. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है एक बार प्लीज़ बता दीजिए. सो आज का ये जो हमारा क्लास होगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस जो इस वीक का रहा न्यूज़ रहा है. सो आई व्हाट आईव डन इज नॉट जस्ट ऑफ येस्टरडे बट अ फ्यू आइटम्स दैट हैव हैपेंड ओवर द एंटायर वीक विच आई कुड नॉट कवर अप वो सारा कुछ आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एंड डिस्कस करेंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर क्लास दैट वील हैव टूडे वुड बी एट 8 PM ऑन YT जो कि आर्ट एंड कल्चर का होगा विच वेर इन वी विल बी कवरिंग द फोक म्यूजिक टूडे दैट विल बी द सेकेंड क्लास. ठीक है. उसके अलावा जो बाकी का क्लासेस होगा ऑन दी स्पेशल क्लासेस PYQ मॉक्स वगैरह वो मैं शाम के टाइम पे लूंगी. आई विल शेयर द स्केड्यूल विद यू लाइक बाय 6 o'clock और 7 o'clock. मोस्ट लाइकली विल ट्राई टू हैव वन मोर क्लास एट 9 PM. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग यही स्केड्यूल है आज का. अपार्ट फ्रॉम दिस देर विल बी जस्ट वन मोर क्लास. ओके. हेलो सागर. हेलो सायंतिका. गुड मॉर्निंग. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास बिफोर आई बिगिन जस्ट अ वेरी वेरी क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस जो हमारे अन अकेडमी के स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 14th of April. द फर्स्ट बैच दैट इज दैट इज अ प्रीलिम्स रिविजन बैच वो 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक हम 3500 MCQs का सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पे रिविजन कोर्स होगा 2021 के प्रीलिम्स के लिए एंड PYQs को भी डिस्कस किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द मिशन विक्ट्री बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th of April जो कि बायलिंगुअल बैच होगा 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर प्रोग्राम जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में कवर किया जाएगा. लाइव क्लासेस फॉर टॉप एजुकेटर्स एंड साथ ही साथ में वील हैव NCERT एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. सिमिलर लाइन पे वी विल हैव द 1 ईयर बैचेस फॉर UPSC CSE. ठीक है. जहाँ पे हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में इन बैचेस को लेकर आ रहे हैं एंड द 2 ईयर बैचेस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए वेर इन वी विल बी कवरिंग द एंटायर कोर्स इन बायलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स एंड NCERT इन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद अ सेट ऑफ 20 बुक्स. अगर आप GS आइकॉनिक या कॉम्बो का कोई भी ऑप्शनल कोर्स कोई भी कोर्स लेते हैं टिल द 14th of April, 14th of April तक ये वैलिड रहेगा. कोई भी बुक सेट आप कोई भी कोर्स में अगर एनरोल करते हैं अन अकेडमी की तरफ से स्पेसिफिकली UPSC एक्सपर्ट्स के द्वारा क्यूरेटेड ये बुक सेट है जहाँ पे रीसेंट करंट अफेयर्स रीसेंट जितना भी स्टैटिक पोर्शन है सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा. ठीक है. हेलो अक्षय. हेलो अर्पित. हेलो the other Arpit as well. Good morning. Welcome to the class. I hope you guys are doing very well. On that note, starting with today's class, here comes the first question. So the first question reads, consider the following statements. Those statements aapko diye related to the net zero goal figures and the Paris Agreement. You have to tell which of them is or are correct. So quickly tell. The first statement reads, net zero goal figures in the 2015 Paris Agreement and the agreement only requires every signatory to take the best climate action it can. Net zero is also known as carbon neutrality. Hello Vikas, good morning, welcome to the class. So Arpit has answered C for this question. Let's see how many of you quickly answer. Vishal, that is so because ye bahut purana technique nikalte aa raha hai jahan pe exactly net zero news was like 2 days back. That is why I am covering this. कि इस संडे को मैंने सोचा कि पूरे वीक का एक बार करंट अफेयर रिवाइज करा लेते जो कोई न्यूज़ अगर हमारे एंड से मिस हो गया होगा. सो विशाल हैज़ आंसर सी. अक्षय हैज़ आंसर ए. सायंतिका हैज़ आंसर सी. विकास हैज़ आंसर सी. गाइस करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 2 only. ठीक है. नेट जीरो गोल फिगर्स जो नेट जीरो गोल है इट डज नॉट फिगर एनी वेयर. 2015 का जो पैरिस अग्रीमेंट है उसमें कहीं पे भी इट डज नॉट इंक्लूड द नेट जीरो फिगर्स. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो इसी वाले का. द अग्रीमेंट ओनली रिक्वायर्स एवरी सिग्नेटरी टू टेक बेस्ट क्लाइमेट एक्शन इट कैन. ठीक है. सिंस इट अलाउज एवरी पार्टी जो भी सिग्नेटरी पार्टी है कि वो बेस्ट क्लाइमेट एक्शन ले. नेट जीरो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया. नेट जीरो को हम कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं. एंड व्हाट इज इट, किस तरीके से वर्क करता है. नेट जीरो इज नोन एज कार्बन न्यूट्रलिटी विद, जिसका ये मतलब होता है कि कोई भी कंट्री है इट विल नॉट बी ब्रिंगिंग डाउन द कार्बन एमिशन टू जीरो बट जो एब्जॉर्प्शन और रिमूवल है ग्रीन हाउस गैसेस के एटमॉस्फेयर में वो इस कंसिस्टेंसी में करेंगे कि वो इक्वेट हो जाए या इक्विटेबल हो. ठीक है. 2015 का जो पैरिस अग्रीमेंट था उसमें कहीं पे भी नेट जीरो गोल्स को मेंशन नहीं किया गया है एंड द कंट्रीज नीड टू सेट अ 5 to 10 year क्लाइमेट टारगेट फॉर देमसेल्व्स ताकि वो इसको अचीव कर पाए. क्लियर डाउट मेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन किसी का भी इस क्वेश्चन में. येस नो एनीथिंग. एंड या आपसे आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट कि IAS को क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, जुडिशियल पावर्स नहीं होती. एब्सोल्युटली राइट विशाल, क्योंकि इनिशियली दे हैड द जुडिशियल पावर्स. यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट पार्ट. जब अंग्रेज आए थे ना सो इंडिया को वो सबसे दो बेहतरीन चीज़ें देखे गए, एक सिविल सर्विसेज और एक रेलवेज. What actually happened was after the Britishers went away, judicial powers were taken away from the magistrates. They had it in some form or the other. Pura nahi hoti. CR absolutely right on that part. CRPC ke existence se pehle. Theek hai. Clear yahan tak? Acha.
हाँ पेरिस एग्रीमेंट में बस 1.5 डिग्री का बोला गया, इसलिए नेट जीरो कहीं पे भी नहीं आता अर्पित। क्लियर हो गया? हेलो जे जे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। किसी का डाउट इस क्वेश्चन में? समझ आ गया ना वाई इट विल बी बी ऑप्शन? चलो परफेक्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विल पीरियोडिकली पब्लिश अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? सिडबी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक और आरबीआई में से कौन सा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है विच विल बी पीरियोडिकली पब्लिशिंग अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? क्विकली क्विकली टेल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वॉज 2 or 3 days बैक ये न्यूज आया था। सो क्विकली टेल, वी हैव आंसर्स कमिंग। अर्पित हैज आंसर ए। ओके, विशाल को डी और सी में कंफ्यूजन है। संतिका हैज आंसर ए। अर्चना हैज आंसर डी। अक्षय का गेस है डी। जे जे हैज आंसर डी। दीप का दीप हैज आंसर डी। एब्सोल्युटली गाइस करेक्ट, डी इज द करेक्ट वन, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ, एब्सोल्युटली राइट सागर, इट्स डी। सौंदर्य ने आंसर करा है ए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट विल बी कंस्ट्रक्टिंग एंड पीरियोडिकली पब्लिशिंग अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो कि मेजर करेगा एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री एंड इट विल स्टार्ट द पब्लिकेशन एनुअली फ्रॉम इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट विकास, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वजोसा उस्मानी सदरी वो स्वोन इन एज द फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच बाल्कन नेशन? आउट ऑफ द गिवन फोर, जोसा उस्मानी सदरी किस नेशन की सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? अल्बेनिया, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, कोसोवो। क्विकली क्विकली, सुधांशु अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है दैट मीन्स यू हैव अ श्योर शॉट्स लाइक चांस एट गेटिंग द ए लिस्ट सर्विसेज। आराम से आपको ए और पी ए पी या एफ में से कुछ भी मिल सकता है। जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यू नो गेट अ वंडरफुल इंटरव्यू एनी वेयर। 900 नंबर अगर मेन्स में आ रहे हैं मतलब अगर एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग एनी वेयर अबव 150 और बहुत कितना 1000 से ऊपर नंबर तो यू विल बी ऑल इंडिया टॉपर्स में यार। सिंगल डिजिट रैंक आ जाती है इतने नंबरों पर। तो सो वी हैव आंसर्स कमिंग। क्रोएशिया आंसर करा है, अर्पित हैज आंसर ए, जे जे हैज आंसर सी, विशाल हैज पास, शिवांतिका हैज आंसर सी, सयंतिका हैज आंसर सी। ओके, आई थिंक इट्स कुसोवो। सर्वेश हैज आंसर डी। सबके क्रोएशिया देखे नहीं, इवन आई गॉट कन्फ्यूज बट लेट मी चेक। मेरे को भी डी ही लग रहा है। अक्षय हैज ऑल्सो गेस डी। या सो इट्स कुसोवो गाइज, करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, कुसोवो। जोसा उस्मानी सदरियू वॉज स्वोन इन एज पोस्ट वॉर कुसोवो सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट एंड सेवन्थ ओवरऑल जिनका 5 ईयर का टर्म होगा। ठीक है, सो सागर हैज आंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? आउट ऑफ द गिवन फोर आपको बताना है नया प्रेसिडेंट कौन है चूज हुआ है वियतनाम का। रिसेंटली ही वॉज चोजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ, क्विकली क्विकली टेल। एब्सोल्युटली राइट जी जी, एब्सोल्युटली राइट। क्विकली टेल हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? सो वी हैव आंसर्स कमिंग। अर्पित हैज आंसर ए, विशाल का गेस है सी, जे जे इज अनश्योर, ही इज आस्किंग मी बी। जे जे आपको आंसर करना है। तारा हैज आंसर सी, पंकज हैज आंसर बी। ओके, दिस इज अ मिक्स्ड पोल, लाइक हर कुछ आंसर कर रहा है। सयंतिका हैज आंसर सी ऑन दैट पार्ट आई अग्री, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर। विद द नेम्स आर सो कन्फ्यूजिंग इवन आई हैव गॉटन कन्फ्यूज। सर्वेश हैज आंसर बी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज ए, इट इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वुड बी फैम मीन चीन, जो ए ऑप्शन है। ठीक है, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। जो आउट गोइंग थे दैट वॉज ग्युएन जैन फूक, हु वॉज द हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अक्षय डजन नो, सागर डजन नो, दीप को सी लगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ए गाइज इसका। ठीक है, फॉर ऑल दोज आई थिंक देर वॉज वन पर्सन और टू पर्सन टू पीपल हु आंसर ए करेक्ट था इसका। अगला क्वेश्चन, आई एन एस सर्वेक्षक हैज बिन डिप्लॉयड इन विच कंट्री फॉर कंडक्टिंग द जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज? ठीक है, आउट ऑफ द गिवन वट इज द करेक्ट वन? ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम अक्षय, बट देखो यूपीएससी नहीं पूछता, वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग, स्टेट पीसीएस जरूर पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे हरियाणा पीसीएस अब होना है, यूपीएससी ये यूपी पीसीएस होगा, महाराष्ट्र पीसीएस भी आई थिंक थोड़ा डिले हो गया था, ये सारे जरूर पूछते हैं। ठीक है, सो जे जे हैज आंसर्ड बी, मोहित हैज आंसर्ड बी, सागर हैज आंसर्ड बी, अर्पित हैज आंसर्ड मॉल्डिव्स, दीप हैज आंसर्ड बी, विशाल इज बिटवीन ए एंड बी, सायंतिका हैज आंसर्ड बी। एब्सोल्युटली राइट गाइस, जिन लोगों ने बी आंसर करा है, करेक्ट ऑप्शन है इसका मॉरिशियस।
INS सर्वेक्षण के हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे शिप डिप्लॉयमेंट पे है मॉरिशियस के, जहाँ पे जॉइंट अंडरटेकिंग होगी हाइड्रोग्राफिक सर्वेस की अलॉन्ग विद द मॉरिशियन फोर्सेस. यहाँ पे मॉरिशियन पर्सनल एडवांस हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट को यूज करेंगे एंड वेरियस स्टडीज विल बी अंडरटेकन. पंकज हैज आंसर बी फॉर दिस क्वेश्चन. तारा हैज ऑल्सो आंसर बी. परफेक्ट गाइज. अक्षय समझ आ गया द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है. स्पेसिफिकली दिस इज रिलेटेड टू स्टेट पीसीएस. देर इज अ रीजन वाई आई पुट सच क्वेश्चन दैट वर इन न्यूज, बिकॉज हर स्टेट पीसीएस अब मई जून में ही होने वाला है, तो वो पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स ना बहुत मन से उठाते हैं. सो थ्रू दीज क्वेश्चन एटलीस्ट आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ कुछ सुना सुना है, कुछ आइडिया है, सो दैट एटलीस्ट यू हैव अ फेयर चांस ऑफ अटेम्पटिंग द क्वेश्चन. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. बिफोर आई मूव अहेड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हम लोगों की जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 14th of April, इन बैचेस में आपको वैलिडिटी मिलेगी टिल द 31 जुलाई 2022 फॉर द 1 ईयर बैचेज एंड 2 ईयर बैचेज में 31 जुलाई 2023. ठीक है, द मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर इज वैलिड टिल 28th of April. जी एस आइकॉनिक कॉम्बो एंड ऑप्शन सब्सक्रिप्शन पे ये कोर्सेज वैलिड हैं एंड 14th April तक जो 20 बुक्स का हम लोगों ने एक पूरा UPSC का क्यूरेट करा है बुक सेट, दैट विल ऑल्सो भी अवेलेबल. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो शिशिर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास. विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू टेक ऑन टेक क्रेडिट इंश्योरेंस. कौन से इंस्टीट्यूशन ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई है ऑन टेक क्रेडिट इंश्योरेंस? क्विकली क्विकली टेल सागर. आर्टिकुलेट, अच्छा आर्टिकुलेट चैनल पे नहीं मिल. अच्छा आई स्पीक टू द टीम, आई शेयर इट विद देम, वरना मैं दूसरा एक और चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, उस पर मिल जाएगा. जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, उस पर मिल जाएगा. ठीक है, नहीं नहीं विशाल, क्लास डेली होते हैं, ये मंडे टू संडे होती है, इसमें नो लाइक नो छुट्टी. सो ओके, सो सॉरी, अब आंसर्स कमिंग फॉर दिस वन. सायंतिका ने लिखा ए आंसर्स बी में है. ओके, मेरे को समझ नहीं आया सायंतिका. अर्पित हैज आंसर डी, विशाल हैज आंसर सी, मोहित हैज आंसर ए, जे जे हैज आंसर डी, शिवदंग हैज आंसर ए, अक्षय हैज आंसर डी, अर्चना हैज आंसर ए, दीप का गेस है नाबार्ड, सायंतिका हैज आंसर ए. सागर अभी जस्ट, कैन समबडी प्लीज पिन द टेलीग्राम चैनल गाइज इन द कॉमेंट्स, इनको मिल जाएगा. ताकि अर्पित हैज आंसर सी, सागर हैज आंसर सी, तारा हैज आंसर सी, कुणाल हैज आंसर सी, दिव्या हैज आंसर डी, पंकज हैज आंसर सी, शिशिर हैज आंसर डी. करेक्ट ऑप्शन सी है गाइज, इरदाई. ठीक है, IRDAI, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरदाई. इट इज द वन दैट इज रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस. इट हैज प्रपोज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स. ठीक है, क्लियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन. अच्छा ऐसा, आई डिड नॉट रियलाइज दैट एक्चुअली, आपने बोला मेरे को अब रियलाइज हुआ, बट ओके दैट कुड बी द केस, कभी कभी ध्यान नहीं जाता मेरा. ओके हाँ, IRDAI इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. मेरे को एक्ट नहीं याद है, मेरे को एक्ट नहीं याद है कि किस एक्ट से बना था, बट इट इज वन ऑफ द लाइक स्टैट्यूटरी बॉडीज. हेलो अनुराग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. चलिए अगला क्वेश्चन. आयुष मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU विद विच मिनिस्ट्री टू डेवलप अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द यूज ऑफ आयुर्वेद इन वेटरनरी सेक्टर. ये तो आँख बंद करके आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, आप लोग आँख बंद करके इसको आंसर कर सकते हो. क्विकली क्विकली आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो 100% पोल आना चाहिए. यू ऑलरेडी हैव टू आंसर्स कमिंग. अर्पित अर्पित, मोहित, सागर, शिशिर, जे जे वेरी एक्साइटेडली ऑल हैव आंसर ए. ओके, दिव्या हैज आंसर ए, अनुराग हैज आंसर ए, पंकज हैज आंसर ए, संतिका हैज आंसर बी. संतिका, रीड द क्वेश्चन बाबा, इट्स वेरी सिंपल. अर्चना हैज आंसर बी. अरे क्या भाई, कैसे? अनुराग हैज आंसर ए, कुणाल हैज आंसर ए, महेश हैज आंसर ए, सर्वेश हैज आंसर ए, थॉमस हैज आंसर ए. करेक्ट ऑप्शन इसका ए है द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. उन्होंने एक आयुष के, अक्षय हैज आंसर सी. अच्छा विशाल का, अच्छा ये तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट अप सी वाले आ गए हैं. सो यूजर आईडी मूवी क्रेज हैज आंसर ए, सौंदर्या रागिनी हैव आंसर ए, दीप हैज आंसर डी. अच्छा ये तो अब तो कुछ भी मार्क किया जा रहा है. So, the MOU between Department of Animal Husbandry and Dairying, that is DAHD, and Ministries of Fishery, Animal Husbandry, and the Ministry of Ayush has been signed recently, specifically related to the use of Ayurveda in the veterinary sector as well. Clear? Doubt, query, question, confusion? अरे fish खिलाना नहीं है animals के लिए. अभी तक veterinary sector में जो medicines जाते थे ना, वहाँ पे जो medicines दिए जाते थे, they were not related to as in मतलब उन लोगों को एलोपैथ मेडिसिन दी जाती हैं, जो भी वहाँ पे एनिमल्स होते हैं
बट अब इन एनिमल्स को आयुर्वेद मेडिसिन भी दिए जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो एमओयू साइन हुआ है। आयुर्वेद में फिश नहीं आएगा कि भाई अब लोगों को मच्छी खिलाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फॉर दीज एनिमल्स उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाएंगी। समझ आ गया अक्षय? क्लियर डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। एज पर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड रिसेंटली, द पावर्स ऑफ एपलेट अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद विच बॉडी? आउट ऑफ द गिवन फोर, ऐसी कौन सी बॉडी है जिसके साथ एपलेट अथॉरिटीज के जो पावर्स हैं दे हैव बीन वेस्टेड? ये रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट आया था, पीआईबी का भी न्यूज था, इफ यू गाइज फॉलो दैट, मतलब पीआईबी ने भी कवर करा था ये इशू। तो फटाफट से बताइए, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नन ऑफ द अबव? सो वी हैव आंसर्स कमिंग। अर्पित हैज आंसर डी। ओके विशाल हैज आंसर्ड बी, थॉमस हैज आंसर्ड सी, दिव्या हैज आंसर्ड ए, शिवदंग हैज आंसर्ड बी, अनुराग हैज आंसर्ड डी, जे जे हैज आंसर्ड ए, गौरव हैज आंसर्ड डी। इसका करेक्ट ऑप्शन दीप इज आस्किंग वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट और नॉट, पंकज हैज आंसर्ड ए, महेश हैज आंसर्ड डी, अक्षय हैज आंसर्ड बी। एब्सोल्युटली नालसा वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है बी, हाई कोर्ट। ठीक है, सेंटर ने प्रोमलगेट करा था द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो एग्जिस्टिंग एपलेट अथॉरिटीज उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा और वो सारी की सारी पावर्स हाईकोर्ट्स के पास आएंगी, जिसमें सिनेमेटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एआई एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑफ एनएच एक्ट एंड दी वेराइटीज ऑफ फार्मर्स राइट एक्ट, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। क्लियर डाउट, मेरी कंफ्यूजन क्वेश्चन एनीवन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हेलो रश्मिता, हेलो शो, हाउ आर यू गाइस, हाउ वाज द कॉम्बैट, हाउ वर द क्वेश्चंस फॉर टुडेज कॉम्बैट? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम यू गाइस आंसर, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन नोटिफाइड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो क्विकली टेल, आउट ऑफ द गिवन थ्री मिनिस्ट्रीज कौन सा ऑप्शन होगा जिसने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल 2021 को पास किया है, नोटिफाई किया है? We have Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, Ministry of Electronics and Information Technology. You don't guess then, JJ. उस पार्ट में you leave it, ठीक है? You leave it in that part. So we have answers coming. Arpit has answered C. Pankaj has answered C. Gaurav has also answered C. Vishal ka guess hai C. Kunal has answered C. Shaw has answered C. Thomas has answered C. Anurag has answered A. Mahesh has answered C. Akshay, Divya, Shivdang, Arshna, JJ have answered C. Abhishek A or C. Sushmit B. Santika C. There's just one person who's answered it correctly. That's Anurag. A correct hai iska. That is Ministry of Commerce and Industry. उन्होंने notify किया कि वो copyright amendment rule 2021 को लेकर आएंगे, which will bring the existing rules in parity with other relevant legislations. Clear? Doubt, query, question, confusion, anyone? Rashmita has answered A. JJ has answered A. हाँ, ये तो mass copy हुआ है, सबने C mark करा है और फिर आप कुछ लोग A कर रहे हैं। चलो अगला question. Ministry of Chemicals and Fertilizers organized. हाँ, अभिषेक also answered. I said your name, अभिषेक. आप और अनुराग दो ही लोग थे, बाद में फिर रश्मि और जेजे आए. अक्षय has answered it now. A. Ministry of Chemicals and Fertilizers organized a national dialogue on chemicals manufacturing along with which organization? ADB, IMF, UNIDO, UNICEF. Out of the given four, किसके साथ एक national dialogue on chemical and manufacturing आया हम लोगों के ministry का? Quickly, quickly tell. So we have answers coming. Gaurav has answered C very excitedly. Deep has answered A. User ID Devil have asked the team to make a playlist. Playlist has been curated, but I think they will be sharing it by the 20th or 30th of April. ठीक है, playlist curate हो गया, the team is actually working on it. Don't worry about that. But I think वो पूरे का पूरे session का जो playlist है ना, वो एक ही साथ share करेंगे, if I'm not wrong. I'll still speak to them if the playlist can be made public. ठीक है, विशाल हैज आंसर ए, अभिषेक सी और डी. अभिषेक डी कैसे होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यूनिसेफ है पापा, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं. सुष्मित हैज आंसर सी, अर्पित हैज आंसर डी. अर्पित कम ऑन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. शॉ, अच्छा सो शॉ ने कहा डी नहीं होगा, ए बी सी में से कुछ हो सकता है. मुजतबा हैज आंसर सी, पंकज हैज आंसर डी, जे जे हैज आंसर, सो मेनी हैव आंसर डी. शॉ हैज आंसर सी, दिव्या हैज आंसर डी, शेली थॉमस हैज आंसर सी, अक्षय डजंट नो, ही हैज पास्ड, अनुराग हैज आंसर सी बट ही इज नॉट श्योर,
आई नो श्योर बट आई रियली के नॉट डू एनी थिंग अबाउट दैट. मैं क्या ही बोलूँ उसमें. सौंदर्या हैज आंसर्ड भी. हेलो अक्षय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आकाश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, गुड आफ्टरनून रादर, सो सॉरी. शकीरा हैज आंसर्ड सी. ट्रिब्यूनल की जजमेंट किया गया, किसी और के पास अपील किया जा सकता है. अब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पहले कहीं पे नहीं जा सकते थे. आई थिंक पहले भी सिर्फ पहले कहीं पे भी नहीं जा सकते. आई थिंक अब क्लियर हो गया है. हाँ, ऑडिबल. अब एक बार रिफ्रेश कर लो गाइस. आई थिंक अब आ गया है, इट्स क्लियर नाउ. हाँ अच्छा, इसका सी ही था है ना. परफेक्ट परफेक्ट. सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज द डायलॉग अंडर द क्लीन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया स्वच्छ उद्योग एंड होस्ट द नेशनल डायलॉग ऑन एक्सेलेंस एंड इनोवेशन फॉर कॉम्पिटेटिव एंड सस्टेनेबल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. एंड सायंतिका, कमिंग टू योर क्वेश्चन, ट्रिब्यूनल का जब भी वो होता है, जजमेंट होता है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. अपील कैन बी डन देयर. ठीक है, हाँ थैंक यू. मेरे को याद आ गया अक्षय, आपने और अभिषेक ने मेरे को, हाँ आप लोगों ने मेरे को वही, मेरे को थोड़ा सा उसी में कन्फ्यूजन था बट मेरे को याद आ गया टाटा मिस्ट्री वाले केस से. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अभिषेक, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, क्या था? बजट और सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री. ये तो हम लोगों ने करा हुआ है डिस्कस. फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है यार ये तो. उसमें भी तो करा था बजट, जब पूरा पार्लियामेंट का आया था, किस तरीके से पेश किया जाता है, अंदर उसके बाद डिपार्टमेंटल हेयरिंग होती है उसकी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. फाइनेंस बाबा, फाइनेंस डज इट. हाँ, एनक्लैट के बाद एससी, सुप्रीम कोर्ट. आशु, जो टाटा मिस्ट्री वाला केस था उसी के थ्रू. ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट, सो सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. थैंक यू फॉर दैट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. अभिषेक, वो मिस हो गया था. हाँ, मैंने वो देखा था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है. आई सॉ द मिनिस्ट्री, मैंने वो नहीं पढ़ा था. हाँ, इसका आंसर करो. दी बड़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे सिचुएटेड है? इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, मोरक्को. यू हैव ऑप्शंस कमिंग वेरी एक्साइटेडली. थॉमस हैज आंसर्ड बी, अनुराग हैज आंसर्ड बी, विशाल गेस ऑन सी, कुंदन यूएई, आकाश हैज आंसर्ड बी, अभिषेक, अच्छा ओके, अर्पित हैज आंसर्ड बी, आकाश हैज आंसर्ड यूएई, दीप हैज आंसर्ड यूएई, पंकज हैज आंसर्ड बी, शॉ हैज आंसर्ड बी, कुंदन हैज आंसर्ड यूएई, सुष्मित हैज आंसर्ड बी, अर्पित, शकीरा, अर्पित, कुणाल, रश्मिता हैव आंसर्ड बी, सायंतिका हैव आंसर्ड बी, शकीरा हैज आंसर्ड सी, सागर हैज आंसर्ड बी, दीप हैज आंसर्ड बी, अभिषेक सी और बी, कुंदन यूएई, जे यूएई. ओके, दिस इज बहुत सारे यूएई हैं. आई एम सो सॉरी, किसी का अगर नाम मिस हो गया प्लीज बुरा मत मानना. करेक्ट ऑप्शन इसका बी ही है, यूएई. ठीक है, द बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अबू धाबी में, इट इज इन द एमिरेट्स, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड, जहाँ पे मिक्स किया जाता है पार्ट ऑयल लाइक एंड पार्ट ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, जिस तरीके से वो अपने एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. डाउट क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया अभी तक है किसी क्वेश्चन में? एंड अभिषेक, जो आप बता रहे हो ना, जो उस पार्ट उससे रिलेटेड दिया गया है, कौन सा डिपार्टमेंट था? हो सकता है कभी मे बी कुछ मिस्टेक हो गया हो. आई चेक इट वंस विद द टीम. ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना? एक बार फटाफट से बता दो, किसी का कोई डाउट क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन रह गया, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आ रहा? परफेक्ट. अच्छा, सो सॉरी, किसी ने, कोई समबड़ी वॉज आस्किंग द फुल फॉर्म ऑफ यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो सॉरी शॉ, कॉमेंट्स में मिस हो गया. यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. चलो मूविंग अहेड. हाँ, इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इसराइल एंड सऊदी अरेबिया बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है, सो गाइज, दिस वॉज द सेट ऑफ क्वेश्चन आई हैड फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे. आई डोंट थिंक किसी का कोई डाउट होगा. परफेक्ट. नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा, वील हैव द क्लास एट 8 PM, आर्ट एंड कल्चर का. आज ना आई डो नॉट हैव टाइम इन द आफ्टरनून, थोड़ा सा आई एम लिटिल कॉट अप विद समथिंग. सो वट आई कैन डू, अगर जो हम लोगों का मॉक वाला क्लास होगा ना, आई प्लान इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. अगर पॉसिबल हो एक 9 PM पे क्लास कर लेंगे या 7 PM पे, एज एंड वेन टाइम परमिट्स. ठीक है, दैट्स वंडरफुल. अभिषेक, 215 बहुत अमेजिंग रैंक है. अच्छा सागर, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स इन द चैट, बिकॉज आई हैव टू लॉग आउट लाइक फ्रॉम द सेशन, देन ओनली आई कैन पिन इट इन द टेलीग्राम लिंक. ठीक है,
विशाल, मैंने पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर दोनों की प्लेलिस्ट की टीम से बात कर दी है. द टीम विल बी चेकिंग इन टू दैट. ठीक है, प्लेलिस्ट क्यूरेट हो रही है. आई थिंक कुछ इशू आ रहा था, मैं एक बार आज चेक करवा दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. अर्पित, आज 1 PM 2 PM नहीं होगा, वील बी हैविंग वन ऑफ द सेशंस इन द इवनिंग. नहीं नहीं दीप, छुट्टी नहीं है, 8 बजे सेशन है, बी अ पार्ट ऑफ दैट. फोक म्यूजिक आज खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूजिक आज खत्म करना है. और इसमें मैं MCQs भी करवाने वाली हूँ, वरना फिर रह जाता है और फिर चैप्टर में आप लोग बोलोगे कि मैम MCQs नहीं हो पाए. ठीक है, अच्छा तो शो एक बार इकोनॉमी का हम लोगों ने जितना पार्ट कवर करा है ना, वो एक बार रिवाइज कर लो. तब भी कोई डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन है, आस्क मी, आई हेल्प यू विद द सेम. ठीक है, चलो, ऑन दैट नोट गाइस, आई टेक योर लीव. इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन बचे, जस्ट पिन मी ऑन टेलीग्राम, आई लुक इनटू इट. ठीक है, हाँ हाँ विशाल, आराम से मई तक खत्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, मई क्या, आर्ट एंड कल्चर तो अप्रैल में खत्म हो जाएगा, 28 अप्रैल तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी. ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, गुड डे.